मैं इस वक्त वाराणसी में मौजूद हूं और जिस तरह के हालात थे यहां पर, हालात शांतिपूर्ण है क्योंकि एएसआई का सर्वे आज दूसरे दिन भी जारी है। आपको बताएं कि जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है, इसके अलावा खंभों का वहां पर मैपिंग की गई है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी नकुल भी आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष भी इस सर्वे का समर्थन कर रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट और वाराणसी जिला जज के फैसले को बरकरार रखता है और उसके बाद मुस्लिम पक्ष अब एएसआई की टीम के साथ सहयोग कर रहा है। तहखाने की तस्वीरें भी अंदर सामने आई है और इसमें कुछ चीजों का दावा किया गया है कि कुछ चीजें मिली हैं। अब जब एएसआई 4 हफ्ते में अपना सर्वे पूरा करेगी उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन हिंदू पक्ष के इसमें अपने दावे हैं और ये कहना है कि जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि सर्वे पूरा किया जाए। मैं यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पर बारिश हो रही थी, बारिश थोड़ी हल्की हुई है, इस वजह से यहाँ पर जो श्रद्धालु थे वो रुके हुए थे क्योंकि ज्ञानवापी परिसर, जिसको हिंदू पक्ष का कहना है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है, ऐसे में जो ये सर्वे हो रहा है इसमें बड़ी जानकारी ये है कि तहखाने की चाबी जो कि मुस्लिम पक्ष के पास थी, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि तहखाने की चाबी दी जाएगी। मेरे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं, बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूँ, सर्वे दूसरे दिन भी जारी है और मैं रुक करूंगी अपने सहयोगी अमित सिंह का। अमित आप बताइए कि क्या तहखाने की चाबी मिल चुकी है, कुछ तस्वीरें सामने आई है अंदर खाने से सर्वे को लेकर के, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए तहखाने की चाबी एएसआई टीम के पास है, एएसआई टीम को मिल चुकी है और लगातार जो है दूसरे दिन भी सर्वे जारी है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुए, देखिए इस तरीके से इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हम तहखाने की जो चाबी है वो इस वक्त एएसआई टीम के पास है, एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है। और जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 4 फीट की एक मूर्ति मिली है और वो 4 फीट की मूर्ति मिली है और 4 फीट की मूर्ति किस कलाकृति की है, किस समय की बनी हुई है, हालांकि इसकी जांच करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी बताया जा रहा है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पिलर्स हैं उस पर निशान मिले हैं, स्वास्तिक के निशान मिले हैं, त्रिशूल के निशान मिले हैं, कलश के निशान मिले हैं और ये सब वो जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन इन सब पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में दावा किया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने पुराने इतिहास को में जो उन्होंने गलती की है उसे उन्हें सुधारना चाहिए, उन्हें आकर खुद इस पर पहल करनी चाहिए, हिंदू पक्षकार से बात करनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो दावे थे उन दावों को कहीं ना कहीं यह जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कलश का चिन्ह, जो स्वास्तिक का निशान, जो श्लोक लिखे हुए मिले हैं, जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, जो 4 फीट की मूर्ति मिली है, ये सब हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। हालांकि अब वो मूर्ति जो है कब का है, किस कालखंड का है, इस बारे में अभी जांच होनी है। लेकिन फिलहाल जो हमारी पास जानकारी आ रही है अंदर से डस्टिंग हो चुकी है, डस्टिंग होने के बाद अब जो है वो मैपिंग का जो काम चल रहा था वो मैपिंग का काम भी पूरा हो चुका है, अब फोटो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, फोटो डॉक्यूमेंटेशन के बाद GPR के जरिए पता लगाया जा रहा जाएगा कि ये कब का है, ये जो दीवारें बनी हुई है, जो ज्ञानवापी परिसर है, जिस तरीके से हिंदू पक्ष का लगातार दावा करते हैं कि ये औरंगजेब काल से पहले का है क्योंकि औरंगजेब आए, उन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद मंदिर को मस्जिद में बदल दिया, तो ये हिंदू पक्षकार का दावा है। ये हिंदू पक्षकार ने लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह दावे किए थे इस तरीके से। और अब जब ASI का सर्वे चल रहा है तो जाहिर तौर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले यह दावा किया था और कहा था कि स्वास्तिक के निशान और श्लोक लिखे हुए हैं, तो इन सब दावों पर जो हमारे सोर्सेस अभी क्लेम कर रहे हैं, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 4 फुट की मूर्ति मिला, ठीक है अमित आप रहिए हमारे साथ, अमित लौटेंगे आपके पास, लगता है अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। दरअसल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें आप न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं, ये तहखाने की तस्वीरें सामने आई है न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, ऐसे में एएसआई की टीम के पास चाबी है और जो आप देख रहे हैं क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, ऐसे में सफाई का काम होना है और तहखाने से कई सारे राज खुलेंगे। और ये जो एएसआई की टीम सर्वे कर रही है, तहखाने तक पहुंचना, वहां पर जाकर के जांच करना और वहां पर जिस तरीके से टीम पहुंची हुई है ये अहम जानकारी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ज्ञानवापी सर्वे एक बार फिर से शुरू हो गया है क्योंकि टीम ने लंच ब्रेक लिया था और एक बार फिर से सर्वे शुरू हो चुका है। ये सर्वे शाम तक चलेगा,
कल भी हमने देखा था कि सर्वे 7 घंटे तक चले था, जिसमें जो हिंदू प्रतीक चिन्ह है उसको लेकर के वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी। आज जो तहखाना है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के पिलर्स है, उसकी यहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है और मॉडर्न टेक्निक यानी कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। रडार यहाँ पर पहुँचेगा। दरअसल रडार के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो जमीन की गहराई है, इसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना हो, ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना खुदाई किए यहाँ पर सच सामने आ पाए। और ये आपको बता दें कि एएसआई की टीम ने वीडियोग्राफी भी की है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ज्ञानवापी में सर्वे का दूसरा दिन है और मेरे सहयोगी नकुल आप तक ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, बनारस में इस वक्त बारिश हो रही है लेकिन जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर देश के कोने कोने से पहुंचे हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। ऐसे में बारिश इनके लिए दर्शन पर बाधा नहीं डाल पा रही है और तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। पहले हम वो सुन लेते हैं सर्वे को लेकर के। मुस्लिम पक्ष के भाई देखिए, सारे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की जो पूरी कमेटी का है वो सचिव साहब थे, उनके अध्यक्षता भी है, कुल मिला के अंजुमन इंतजामिया भी पूरा सहयोग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष भी सहयोग कर रहा है। आदेश है, उस आदेश में पूरे सकारात्मक हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष सारे लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कहीं नकारात्मक नहीं है। एएसआई सकारात्मक ढंग से अपना काम कर रही है, बड़े पॉजिटिव तरीके से काम कर रही है। ज्ञानवापी सर्वे पर मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज ने कहा कि वो सर्वे से संतुष्ट है। उन्होंने और क्या कहा इस सर्वे को लेकर के, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस वक्त सर्वे टीम के साथ अंदर मौजूद है, ये प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं। सर्वे में जो अंदर हिस्सा का सर्वे होना था वो मेजरमेंट कर रहे हैं, सिर्फ नाप कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं, नाप कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं। खुदाई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मना कर दिया है कि खुदाई नहीं करना है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे, वो टच भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ नाप जो कभी कर अभी नाप कर रहे हैं, उसके बाद मैकेनिज्म और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वो हम लोग कभी थोड़ी कर संतुष्ट हैं, सर्वे से जो उनका काम करेंगे ही। तो एक बार फिर से आपको ज्ञानवापी के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखाते हैं। दरअसल देखिए, ये तस्वीरें सामने आई हैं जो न्यूज 18 इंडिया पर आप सबसे पहले देख रहे हैं। मूर्ति मिली है ये दावा किया गया है और ऐसे में जो तहखाने की तस्वीरें भी सामने आई थी, क्योंकि अब ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी है, जिसमें हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज सर्वे का दूसरा दिन है, कल सर्वे 7 घंटे तक चला था, अब जो ये तस्वीर निकल करके सामने आ रही है जिसमें कई सारी अहम जानकारियां हैं और कई खुलासे होंगे। इस सर्वे के जरिए यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या मुगल शासक औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। ये इस वक्त पता लगाने की कोशिश हो रही है इस सर्वे के जरिए। और अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी परिसर में। ज्ञानवापी परिसर, जिसको हिंदू पक्ष का ये दावा है कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा है, और ऐसे में वहां पर जो हिंदू पक्ष ने दलीलें दी, चाहे फिर हम इलाहाबाद जिला कोर्ट की बात करें, हम हाई कोर्ट की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ये कहा गया कि वहां पर नंदी महाराज है जिसका रुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है और मां श्रृंगार गौरी की पूजा वो साल में एक दिन कर पाते हैं, हर रोज क्यों नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी दलीलें हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई। और ये मूर्ति की तस्वीर आप देख सकते हैं, मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। ज्ञानवापी परिसर में ये मूर्ति मिली है, मूर्ति की तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। और ये अब मूर्ति मिली है, इससे पहले हमने देखा था कि त्रिशूल मिलने का दावा किया गया था, त्रिशूल की तस्वीरें सामने आई थी और शास्त्रविक के चिन्ह वहां पर थे, श्लोक दीवारों पर लिखे हुए थे, खासकर पश्चिमी दीवार पर। अब ये मूर्ति की तस्वीर सामने आई है, जो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और ये मूर्ति, क्योंकि अब जब ये जांच हो रही है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है कि ये जो मूर्ति है ये कब की थी। दरअसल जो इसमें तकनीक इस्तेमाल हो रही है, इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि डेटिंग के जरिए उम्र पता लगाई जाती है, यानी कि जैसे ये मूर्ति मिली है इसकी उम्र कितनी है, कितने 100 साल ये पुरानी है। अब मैं आपको 3 अलग-अलग तस्वीरें दिखाती हूँ, ये तस्वीरें सर्वे से जुड़ी हुई है। एक ऐसा सर्वे जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई थी, एक ऐसा सर्वे जो कि जिसको लेकर के 21 जुलाई को वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला आता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का फैसला आता है और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला रहेगा, यानी कि एएसआई का सर्वे 4 हफ्ते तक रहेगा। और ये 3 तस्वीरें हैं, 4 हफ्ते की समय सीमा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के साथ है। और बड़ी बात यह है,
आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि मुस्लिम पक्ष जो कल तक सर्वे में नहीं था, मुस्लिम पक्ष भी इस वक्त सर्वे टीम के साथ मौजूद है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो सर्वे का स्वागत करते हैं, वो सहयोग करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये सर्वे पूरा हो और किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। लंच ब्रेक था, उसके बाद एक बार फिर से सर्वे शुरू हो चुका है। और इस बीच मैं आपको बताऊं कि आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और उन्होंने ज्ञानवापी सर्वे को लेकर की ये कहा कि सर्वे के जरिए सच सामने आएगा। तो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए वो पहुंचे और सर्वे से वो संतुष्ट है, ये उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि कहीं भी कोई आपत्ति हो तो उसकी जाँच होनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपत्ति दर्ज कराए और सारे जितने मंदिर हैं सबका जांच कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। पर अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति है तो उसकी जांच होने दीजिए। आप भाग क्यों रहे? हम नहीं भाग रहे हैं। आप हमारे जिस मंदिर का जांच कराना चाहते हैं उसके ऊपर आरोप करिए और न्यायालय में जाइए और न्यायालय उसका जांच कराएगी, जो ज्ञानवापी का हो रहा है जिस तरह से। तो इसमें इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? तो देखा आपने, तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। आज का अपडेट यह है कि एक मूर्ति मिली है ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए, ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर है जहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी है। बारिश यहां पर कुछ देर पहले बहुत तेज हो रही थी, रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो भोले के भक्त हैं वो यहां तक पहुंचे हैं। सावन के पवित्र महीने में वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ी परेशानी उनको जरूर है, लेकिन जब आप जाते हैं ज्योतिर्लिंग में मत्था टेकते हैं तो परेशानी तो होती है, लेकिन लोगों का कहना है कि सौभाग्य है। और ASI का सर्वे, क्योंकि यहां पर लोग जश्न मना रहे थे अपने अपने तरीके से, गीतों के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर कर रहे थे, और ये दावा जो हिंदू पक्ष कर रहा था, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। तस्वीर इस लिहाज से बदली है कि अब ये साफ हो चुका है कि सर्वे 4 हफ्ते तक रहेगा और एक ज्ञानवापी परिसर के अंदर से मूर्ति भी मिली है जिसकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश ASI की टीम करेगी।